हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश सिंह बायोलॉजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। तो पेडिग्री एनालिसिस, बेसिकली आप ये पेडिग्री एनालिसिस को ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी फैमिली की हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। जैसे कोई डिजीज, जैसे एक पर्टिकुलर खानदान है तो उस पर्टिकुलर खानदान में बहुत सारे लोग हैं, तो एक पर्टिकुलर जनरेशन से वो डिजीज एक नेक्स्ट जनरेशन में आ रही है और नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे में आ रही है कि बच्ची में आ रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? पेडिग्री। तो बेसिकली हम पेडिग्री के बेसिस पे पता कर सकते हैं कि इस खानदान में कैसे ये डिजीज स्प्रेड आउट हो रही है, मतलब कैसे ये इसका इनहेरिटेंस हो रहा है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड पेडिग्री और उसका एनालिसिस ही कहलाएगा पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले इसमें कुछ यहाँ पे मैंने बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ साइन है, इसके बेसिस पे कुछ रिमार्क है, इसके बेसिस पे अपन को पता करना है। जैसे एक पर्टिकुलर ऐसा पेडिग्री आएगा आपके सामने तो पता करना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है। तो देखिए, ये वाला साइन रिप्रेजेंट करता है किसको? मेल को। किसको? मेल को। और ये है फीमेल, और ये ऐसा साइन रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ऐसा रिमार्क रिप्रेजेंट करता है कि इसका कोई भी सेक्स पता नहीं है, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। अब यहाँ पे जब शैडो पोर्शन आ जाता है तो इसको बोलते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं? अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये मेल, ये फीमेल और ये सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर कोई शैडो पोर्शन आ रहा है तो वो कहलाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये मैटिंग को, मेल और फीमेल के बीच में क्या है? मैटिंग। और ये रिप्रेजेंट करता है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, क्लोजली रिलेटिव्स। अब देखिए, यहाँ पे एक पेडिग्री, उन्होंने छोटी सी पेडिग्री बनाई है, उसके बेसिस पे ये देखिए मेल है और ये फीमेल है, इनके बीच में हुई मैटिंग। क्या हुई? मैटिंग। अब मैटिंग हुई तो कुछ तो बनेगा, सही बात है। अब मैटिंग हुई तो बच्चे बने, ये देखिए एक फीमेल बनी और एक मेल बना, मतलब एक डॉटर बना, एक सन बना, राइट। अभी यहाँ पे कैसा है, ये पेडिग्री रिप्रेजेंट करता है किसको? कि मेल और फीमेल में क्या हुई? मैटिंग। उससे जो बच्चा बना वो कैसा है? मैंने बोला शैडो पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? अफेक्टेड इंडिविजुअल। किसको? अफेक्टेड। अच्छा, ये साइन किसका है? ये बेसिकली मेल का है, तो इसलिए ये मेल होगा। अब कोई भी पेडिग्री एनालिसिस आए, जैसे कि नीट में जो क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पे हम बात करेंगे, तो कोई भी पेडिग्री आती है उसमें क्वेश्चन पूछता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये सेक्स लिंग डोमिनेंट है कि सेक्स लिंग रिसेसिव है, कि सेक्स लिंग सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हम आखिर कैसे पता करेंगे? हम अभी आपको पहले ये फॉर्मूला बता रहे हैं, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके बेसिस पे अगर आपको ये याद है तो आप 100% गारंटी है कि ओवरऑल 15 सेकंड में बहुत आराम से आप एक पेडिग्री एनालिसिस के रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, मतलब उस पेडिग्री को, पर्टिकुलर पेडिग्री को एनालाइज कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले उस पेडिग्री में जो भी आपको पेडिग्री दी हुई होगी, अभी कुछ देर में आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तो जो भी आपको पेडिग्री दी हुई होगी उसके बेसिस पे आपको करना क्या है, सबसे पहले पेडिग्री में देखना है कि जो 100% अफेक्टेड प्रोजेनी है अफेक्टेड पेरेंट, तो उसमें जो भी प्रोजेनी होगी, सपोज देखो यहाँ पे ये प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करे, बताओ ये मेल और फीमेल में मैटिंग हुई तो इससे प्रोजेनी बने, ये डॉटर बना, ये सन बना, तो इसमें सपोज करो कि यहाँ पे अगर ये अफेक्टेड है तो उन्होंने बोला 100% अफेक्टेड प्रोजेनी है अफेक्टेड पेरेंट, तो अगर ये अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड है तो ये भी उसका पेरेंट कोई ना कोई अफेक्टेड होना चाहिए। अगर इसमें देखो, ये बेसिकली ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो आपको दो तीन क्वेश्चन अपने मन में एनालाइज करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि 100% अफेक्टेड प्रोजेनी के जो पेरेंट्स होंगे वो कैसे होने चाहिए? अफेक्टेड। अगर आंसर आता है यस, यस, अगर आंसर आता है यस, फिर से सुने, 100% अफेक्टेड प्रोजेनी के जो पेरेंट होंगे वो कैसे होने चाहिए? अफेक्टेड। अगर आंसर आता है यस, क्या आता है? यस, तो वो कैसा होगा? डोमिनेंट। कैसा होगा? डोमिनेंट। अगर आंसर आता है नो, तो वो कैसा होगा? रिसेसिव। कैसा होगा? रिसेसिव। फिर से सुने, अगर आंसर आता है यस तो डोमिनेंट, अगर आंसर आता है नो तो रिसेसिव। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब इसके बाद आपको पता करना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा, आपको डोमिनेंट रिसेसिव का तो क्लियर कट पता चल गया, अब ये आपको पता करना है कि ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक यानी कि एक्स लिंक। तो अब ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, अगर डोमिनेंट है, आपको पता चल गया डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो 100% अफेक्टेड मेल, तो डोमिनेंट में आपको किसको देखना है? जो अफेक्टेड मेल है उसको देखना है। फिर से सुने, डोमिनेंट में आपको अफेक्टेड मेल को देखना है, और अफेक्टेड मेल का
दैट्स देखना अफेक्टेड मेल की जो मदर है वो कैसी होनी चाहिए, अफेक्टेड, कैसी होनी चाहिए, अफेक्टेड, और उसका जो डॉटर है वो भी कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड। तो फिर से सुनो, अगर डोमिनेंट होगा तो जो अफेक्टेड मेल है उसकी माँ भी अफेक्टेड होनी चाहिए और उसकी बेटी भी अफेक्टेड होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर ऐसा हुआ, यानी कि आंसर आया यस में, तो वो हैगा एक्स लिंक डोमिनेंट। मगर अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अफेक्टेड मेल की माँ या अफेक्टेड मेल का जो डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं है, तो आंसर आएगा नो, तो उसका आंसर आ रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट। यस, आ जाओ रेसेसिव पे। अगर रेसेसिव में बात करें तो 100% अफेक्टेड फीमेल, ध्यान से देखिएगा, डोमिनेंट में मेल लेते हैं। और देखो एक कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको बताता हूँ याद रखने के लिए, कि याद रखना मेल और फीमेल में डोमिनेंट कौन होगा, मेल। मगर असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं, फीमेल ही डोमिनेंट रहती है मेल पे। मगर आपको याद रखना है मेल और फीमेल में अगर डोमिनेंट आया तो डोमिनेंट को आपको याद रखना है मेल, और मेल का उल्टा कर देना है, मतलब अफेक्टेड मेल है तो मेल का उल्टा कौन होता है, फीमेल है। इसका मतलब मेल की माँ और मेल की बच्ची, ये दोनों कैसे होने चाहिए, अफेक्टेड। अगर आया आंसर यस तो क्या होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट, नहीं तो नो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। मगर बात करें रेसेसिव में, तो रेसेसिव में क्या होता है, 100% अफेक्टेड फीमेल, तो 100% अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। मतलब समझा, मतलब क्या बोल रहा है कि फीमेल के जो पापा होंगे वो कैसे होने चाहिए, अफेक्टेड, और फीमेल का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड। अगर इसका आंसर आता है एक्स लिंक तो यस आता है, अगर इसका आंसर यस आ रहा है, सॉरी, अगर इसका आंसर यस आ रहा है तो ये होगा एक्स लिंक रेसेसिव, और नहीं तो ये कैसा होगा, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो फिर से आपको मैं जल्दी से एक बार बता देता हूँ पेडिग्री एनालिसिस में फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आपको देखना है अफेक्टेड प्रोजनी के बारे में, अफेक्टेड जितने भी प्रोजनी होंगे उनके आपको पेरेंट्स को देखना है। अगर वो पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, अगर आंसर आया यस तो इसका मतलब डोमिनेंट है, और अगर आंसर आया नो तो रेसेसिव। जैसा मैंने बताया कि मेल डोमिनेंट होता है तो डोमिनेंट के केस में मेल को लेंगे, और अफेक्टेड मेल की माँ को और अफेक्टेड मेल की प्रोजनी को देखेंगे। अगर वो अफेक्टेड है, आंसर आया यस, तो एक्स लिंक डोमिनेंट, नहीं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। आ जाओ दूसरे पे, रेसेसिव में अगर आंसर आया था नो तो रेसेसिव था। जैसे कि बात करें 100% अफेक्टेड फीमेल, तो 100% अफेक्टेड फीमेल का जो पापा और जो उसका बच्चा होगा वो दोनों भी अफेक्टेड होना चाहिए। आंसर आया अगर यस तो एक्स लिंक रेसेसिव, नहीं तो ऑटोसोमल रेसेसिव। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको देखना है प्रोजेनी। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रोजनी ये अफेक्टेड है और एक प्रोजनी ये अफेक्टेड है और एक प्रोजनी ये अफेक्टेड है। तो सबसे पहले ये देखना है कि अफेक्टेड प्रोजनी के जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं कि नहीं। अगर वो अफेक्टेड होंगे तो आंसर आएगा यस, यानी यस मतलब डोमिनेंट। अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो कैसे आएगा, रिसेसिव। तो देखो ये अफेक्टेड मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, और ये अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड प्रोजनी चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो अफेक्टेड प्रोजनी के जो पेरेंट्स होने चाहिए, इनके पेरेंट्स कौन है, ये और ये, बताओ ये क्या अफेक्टेड है, नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर अफेक्टेड प्रोजनी के पेरेंट्स अफेक्टेड होते तो वो कहलाता डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ये अफेक्टेड है तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं। इसका मतलब ये, इसका आंसर अभी फिलहाल के लिए जाएगा रेसेसिव, रेसेसिव। अच्छा मैंने बताया अभी ये रेसेसिव है, तो रेसेसिव में अपन किसको लेते थे, फीमेल को, किसको लेते थे, फीमेल को। अब फीमेल में मैंने बताया था आपको कि फीमेल अगर होगा तो इसमें देखना है कि जो फीमेल है उसका, फीमेल का 100% अफेक्टेड फीमेल के जो फादर होंगे, फादर और इसका बच्चा, ये दोनों कैसे होने चाहिए, अफेक्टेड। अगर आंसर आता है यस ये अफेक्टेड हैं तो आएगा सेक्स लिंक, और नहीं है तो आएगा ऑटोसोमल। तो आप देखें ये फीमेल को, आप देखें रेसेसिव में ये फीमेल के, बताओ फादर क्या अफेक्टेड है, नहीं, नो, अफेक्टेड नहीं है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सॉरी ऑटोसोमल की सेक्स लिंक, नहीं ये होएगा ऑटोसोमल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में, तो मैंने क्या बोला, पहले प्रोजिनी देखनी है, अपन ने प्रोजिनी देखी, प्रोजिनी के बेसिस पे अपन देखेंगे कि प्रोजिनी के जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं कि नहीं। तो ये देखिए पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो उसके बेसिस पे ये रेसेसिव आ जाएगा। और फिर मैंने बोला रेसेसिव आता है तो फीमेल को लेते हैं, फीमेल को पकड़ेंगे, और फीमेल को पकड़ने के बाद ये फीमेल के पापा और फीमेल का बच्चा, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, तो फीमेल के पापा कैसे हैं, उन अफेक्टेड नहीं है तो कैसा जाएगा, ऑटोसोमल। अगर वो अफेक्टेड होते हैं तो सेक्स लिंक जाता है। इसमें आ जाओ, अब इसमें सबसे पहले प्रोजिनी देखो, तो प्रोजिनी ये भी अफेक्टेड है, यस अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, मगर ये कौन है, मेल, ये सारे मेल और ये फीमेल।
तुमको पहले देखना है कि प्रोजिनी के सारे प्रोजिनी 100% अफेक्टेड प्रोजिनी के जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड है कि नहीं। तो देखो इस प्रोजिनी के पेरेंट्स अफेक्टेड है, देखो मेल इसका अफेक्टेड, मेल पेरेंट। अच्छा इस प्रोजिनी के ये मेल पेरेंट अफेक्टेड है, यहां तक तो सही, मगर क्या इस प्रोजिनी के पेरेंट अफेक्टेड है? नहीं। बताओ क्या इस प्रोजिनी के पेरेंट अफेक्टेड है? नहीं। तो ये क्या है? रिसेसिव। क्या है? रिसेसिव। अब ये देखना है अपन को कि ये सेक्स लिंग है कि ऑटोसोमल। तो मैंने बताया अगर इस रिसेसिव आ गया तो किसको देखते हैं? फीमेल को। किसको? फीमेल को। तो सिंपल सी बात है, फीमेल को देखेंगे तो फीमेल के पापा, यानी कि अफेक्टेड फीमेल के पापा और अफेक्टेड फीमेल के जो बच्चा होगा मतलब सन, तो पापा मतलब फादर और सन ये दोनों कैसे होने के अफेक्टेड। तो देखो सिंपल, पापा तो अफेक्टेड है मगर सन क्या अफेक्टेड है? नहीं। अगर नहीं तो कैसा जाएगा? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल समझ में है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो जरूर से जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरे सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे उतना ही हम और मेहनत करेंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे।